एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड ब्लॉग। तो देखिए, हमारी फैमिली में सब उठ चुके हैं और सब लग गए हैं काम पे। वीकडेज में ना सबका मन करता रहता है सोते रहें। वीकेंड पे जब आपके पास थोड़ा सा टाइम लिवरेज होता है, सोने का मौका मिलता है, तो नींद खुल जाती है। अंशुल 6 o'clock उठ गए थे, मैं आई थिंक 6:50 के अराउंड उठी हूँ, और गोविंद भी उठ गया साथ मेरे। तो पूरी फैमिली उठ गई है। तो अभी हम लोग चलते हैं किचन में, बनाते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने थोड़ी सी प्रेपरेशन ऑलरेडी कर ली है, बहुत ही सिंपल बेसन चीला मैं बनाने वाली हूँ। तो चलो बनाते हैं। आज मैं खूब सारी वेजीज डाल के बेसन चीला प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज ऐड की हैं, बारीक कटा हुआ बेल पेपर ऐड किया है, थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक ऐड करूँगी, फ्रेशली ग्रेटेड है ये, और उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और ऊपर से मैं इसे गार्निश करने के लिए धनिया भी इसके अंदर खूब सारा ऐड करूँगी। और स्पाइसेस में बस सिंपल मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक, अजवाइन और हल्दी पाउडर। एक स्टफ पे आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं मैंने एज अ पार्ट ऑफ माय मील प्रेप। चाय बन रही है और यहाँ पे हम बनाएंगे अपने गर्मा गर्म चीले। और मैं चीले बेसन के मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए, ये मेरा बैटर बन गया है। साथ साथ मेरे चीले भी सिक रहे हैं और ये आलू भी मेरा बॉईल हो गया है, तो मैं अभी बस इसे पील करके रख लूँगी। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो मैं वीकेंड पे करके रख लेती हूँ एज अ पार्ट ऑफ माय मील प्रेप। और मैं सारे काम एक साथ नहीं उठाती, जिससे कि मुझे बहुत देर तक किचन में ना खड़ा रहना पड़े। तो जब भी मैं कोई मील कुक कर रही होती हूँ, उसी टाइम पर अपना थोड़ा सा पार्ट ऑफ मील प्रेप भी कर लेती हूँ। आज मैंने बेसन चीला सैंडविच फॉर्म में बनाया है, ब्रेड के अंदर लगा के थोड़ा सा, और इसमें केचप वगैरह अंदर से लगाई है, और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करती हूँ। अंशुल को इस तरीके से बेसन चीला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज बहुत दिनों बाद मैं बालकनी में आके खड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ना ऐसा वाला वेदर बहुत अच्छा लगता है जब ठंड होती है बट बाहर धूप निकली हुई होती है। आई रियली इन्जॉय दिस वेदर। तो अभी मैं अपनी भाभी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, और मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तो दी ही नहीं। मेरी जो अपनी रियल भाभी है ना, जो आपने मेरे इंडिया व्लॉग्स में देखा था, वो प्रेग्नेंट थी, मैंने आपको बताया भी था। तो उनको हुआ है बहुत ही क्यूट सा बेबी बॉय, उसका नाम है अथर्व, और उसका अभी फंक्शन होगा। हमारे यहाँ ना कुआ पूजन का फंक्शन होता है जब बेबी बॉय बॉर्न होते हैं, तो उसका फंक्शन होगा। एंड आई वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी सैड कि मैं उसकी एक लौती बुआ हूँ और मैं ही नहीं जा पाऊँगी फंक्शन में, बट क्या कर सकते हैं, इट्स लाइफ। अब पता नहीं वो कितना बड़ा हो जाएगा जब मैं उसे वापस देखूँगी। तो बस वीडियो कॉल से काम चला रहे हैं। अभी मैंने दोनों बच्चों को देखा, बहुत क्यूट हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे ना दोनों बच्चों की फ़ोटो पोस्ट करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो उसका हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिएगा। तो आज का वेदर तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो सनी है। और ना मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, हमारी विंटर वेकेशन जब पड़ती थी, तो हमारे घर के सामने सब लोग, जैसे जो भी ओल्ड लेडीज़ होती थी, वो खाट जो होती थी ना, खाट डाल के बाहर बैठ जाती थी। और सर्दियों के दिन में सुबह के टाइम पे शॉल बेचने वाले, बेडशीट बेचने वाले, सरसों का साग, ऐसे सब आता था, और हम लोग इतना इन्जॉय करते थे। वहाँ पर सारी लेडीज़ इकट्ठे होकर शॉल देखती थी, शॉपिंग करती थी, और वहीं पर खाट पर बैठ के सब्ज़ियाँ वगैरह कट करना, फ्रूट्स वगैरह खाना, सर्दी में बैठ धूप में बैठ के वो सब होता था, और हम सारे बच्चे मिलके बाहर प्ले करते थे। कितना अच्छा टाइम होता था ना वो। मुझे लगता है ये मॉल्स वगैरह जब से आए हैं ना, ये सारा सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया है। मैं आपको अपने बेडरूम से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से एकदम डायरेक्ट सनलाइट आती है और पूरे घर को लाइट अप करती है। यहाँ पे मैंने ना अपने प्लांट को धूप लगाने के लिए रखा है। मिंट प्लांट मेरा पूरा सूख गया, मैं इसका इतना ज़्यादा केयर कर रही थी तब भी ये सूख गया। ग्रो लाइट वगैरह भी लगा रखी थी, बट देन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, धूप भी दिखा देते हैं इसको, तो इसे यहाँ लाकर रखा है अभी।
अपने ड्रेसर पे ये टेबल रनर लगा कर रखती हूँ, इससे ड्रेसर देखने में भी अच्छा लगता है और जो वुड है वो भी बची रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो कल मैंने इसे वॉश किया था, आज इसे मैं वापस लगा रही हूँ। इसे लगाने से पहले मैंने एक बार आयरन कर लिया था जिससे कि और भी ज़्यादा शाइनी और क्लीन लगे लगाने के बाद। और ये मेरा टेबल क्लॉथ है, ये भी कल वॉश हुआ है तो इसे भी मैंने आयरन करके फिर मैं इसे वापस लगा रही हूँ। आप आयरन करके जब ये टेबल रनर्स और टेबल मैट्स वगैरह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जब इस पर कोई भी सलवट नहीं होती तो ये लगाने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैं अपना सोफ़ा का कवर, टेबल कवर और टेबल मैट्स वगैरह हमेशा आयरन करती हूँ जो कपड़े वाले होते हैं। लॉन्ड्री किए थे जिसमें मैंने अपना डाइनिंग टेबल कवर, ड्रेसर कवर, सोफा कवर, बेडशीट सब कुछ वॉश की थी और एक लोड में सारे घर के कपड़े वॉश किए थे। तो जो फोल्ड करके रखने वाले थे वो कल मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके फटाफट से फोल्ड करके लगा दिए और अब ये पूरा पड़ा हुआ है जिसपे मुझे आयरन करना है। तो मैंने सोचा था कि मैं कल आयरन करूंगी, तो आज मैं आयरन करूंगी, साथ साथ हम लोग मूवी देखेंगे, तो दोनों काम साथ करेंगे। वीकेंड पे एक दिन मैं चंपी डे ज़रूर रखती हूँ, सभी लोगों को पकड़ के खूब सारा उनको ऑयल लगाती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खूब सारा कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ, उसके बाद गोविंद की बारी है। गोविंद को मैं पूरा मस्टर्ड ऑयल से मसाज करती हूँ, फुल बॉडी मसाज, और मैं खुद भी अपने बालों में कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। तो वीकेंड पे एज अ फैमिली बैठ के मूवी इंजॉय हो रही है और खूब सारी मसाज हो रही है, बातें हो रही हैं, तो ये हमारी फैमिली का बहुत अमेजिंग फन टाइम होता है। अभी इवनिंग का 4:40 हुआ है, गोविंद जस्ट उठा है, बाहर एकदम अंधेरा हो गया तो हमने ब्लाइंड्स वगैरह सब बंद कर दिए हैं और अंशुल बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय हम लोगों के लिए। आज का इस बार का वीकेंड ना बहुत चिलिंग वीकेंड गया है, मैं कहीं पे भी बाहर नहीं निकली। कल भी पूरा दिन हम लोग घर पे थे और आज भी पूरा दिन घर पे, क्योंकि ऐसा होता है ना जब वीकडेज बहुत एक्टिव हो जाते हैं ना तो मन करता है कि कुछ दिन ऐसे हों जब आप कहीं पर भी ना जाओ, कुछ भी काम ना करो, बस अपने घर में रहो कोजी होकर। तो बस थोड़ा बहुत घर का काम किया और उसके बाद फुल वीकेंड मोड हमारा लेजी वीकेंड रहा है ये वाला। गोविंद अभी देखो अभी वो सो के उठा है, अभी हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, फिर से बैठेंगे, थोड़ी मूवी वगैरह कुछ लगाएंगे या गोविंद के साथ खेलेंगे। और आज हमारा फैमिली चंपी डे था तो गोविंद की पूरी बॉडी में मैंने अच्छे से मसाज किया था मस्टर्ड ऑयल से। विंटर्स में अगर बच्चों को मस्टर्ड ऑयल से मसाज करो ना तो उनकी जो स्किन है वो ड्राई भी नहीं होती और अंदर से उसे गर्मी भी मिलती है। तो मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर दिया था आफ्टरनून के टाइम ही, और
अंशुल को हेड मसाज किया और मेरे खुद भी अपना मसाज मतलब हेयर ऑयलिंग की है, क्योंकि ना विंटर्स में स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो रेगुलरली आपको ऑयलिंग करती रहने पड़ता है। आपने आज गोविंद को देखा, गोविंद ने क्या पहन रखा है, ये उसके डैडी का लाइट सा स्वेटर था, बिल्कुल पतला वाला। तो एक दिन क्या हुआ, इसी विंटर्स अभी उन्होंने निकाला था पहनने के लिए, नया था, अच्छा सा था, ऑफिस पहन के जाते थे। एक दिन मैंने क्या हुआ कि इसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया वॉश होने के लिए, फिर ड्रायर में डाल दिया। जब ये ड्राई होकर वापस मैं कपड़े लेकर आई तो मैंने इसे उठाकर देखा, इसका साइज इतना छोटा हो गया। जब अंशुल ऑफिस से आए तो मैंने उनको उनका स्वेटर दिखाया एंड ही वॉज सो सैड कि मैंने उनका स्वेटर खराब कर दिया। बट बेस्ट पार्ट वॉज कि वो उस टाइम तक मेरे साइज का बन गया था तो मैं उसे पहन रही थी। आप दो तीन ब्लॉग्स पीछे जाकर देखोगे तो ये सेम स्वेटर मैंने पहना हुआ है। फिर कल क्या हुआ कि कल फिर से हमने कपड़े वॉश किए, मैंने फिर से गलती से इसको वॉश करने के लिए डाल दिया और फिर ये ड्रायर में चला गया। तो अब ये गोविंद के साइज का बन गया है। और यही वाला स्वेटर ना अंशुल ने पहना था जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, बहुत ही प्रिटी सा स्वेटर था बट खराब हो गया। जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन मिलती है गर्मा गर्म हस्बैंड के हाथ की चाय। थैंक यू, वेलकम। गोविंद क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है कि बबल बात कर रहा है? बबल बात कर रहे हैं। ओके, बबल्स दिखाओ अपने। वाओ, आपको मजा आता है बबल बात में? या पानी ठंड ठीक लग रहा है आपको? या ओके, are you enjoying? Yep, I was enjoying. आज हमारा बड़ा चिलिंग वाला संडे चल रहा है। जस्ट अभी गोविंद ने अपना बबल शावर इंजॉय किया है और इनफैक्ट हम सब अभी शावर लेके रेडी हुए हैं। मैंने बाल धोए हैं इसीलिए हीटर के सामने बैठी हूँ बाल सुखाने के लिए। मैं ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करती क्योंकि ना मुझे लगता है मेरे ब्लो ड्राई करने से बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और स्टैटिक चार्ज आ जाता है बालों में, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इरिटेशन सी होती है बाल बनाते वक्त भी। तो इसीलिए मैं तो अपना देसी जुगाड़ यूज़ करती हूँ, हीटर के सामने बैठ के बस थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। डैडी जैकेट मांगी है मैंने। आपको अच्छी लग रही है ये जैकेट? ये तो गंदी लग रही है। ये तो मुझको अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? ऑसम ऑसम लग रही है। किचन का काम वगैरह सब खत्म हो गया है, डिनर हो गया है, तो मैंने अब सोचा आप लोगों के साथ दो मिनट बैठ के मैं बात करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने आपको लंच में क्या खाया और डिनर में क्या खाया वो तो दिखाया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि एज पर योर रिक्वेस्ट मैंने अंशुल को बहुत सारा मोटिवेट किया एंड फाइनली ही अग्रीड टू शेयर हिज अमेजिंग रेसिपीज ऑन माई चैनल इटसेल्फ, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ अस कि हम एक नया कुकिंग चैनल खोल के उस पर रेसिपीज पोस्ट करें, बिकॉज यू नो अंशुल अपने ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं और मैं और गोविंद को और घर के कामों में काफ़ी बिजी रहती हूँ। इसीलिए हमने सोचा वाई टू ओपन अ न्यू चैनल जब हमारे चैनल पे इतने प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो हमारी रेसिपीज देखेंगे और उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें अंशुल की सारी रेसिपीज आएंगी। फॉर नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम एक वीडियो हर वीक डालेंगे, बट डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स, डिपेंडिंग ऑन योर लव, डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग हम उसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं अंशुल की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी डालने वाली हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज लंच टाइम पे हमने वही रेसिपी बनाई थी और फिर हमने उसे डिनर में भी खाया है, इसीलिए मैंने आज आपको नहीं दिखाया बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी बना के रखनी थी, इसीलिए मैंने वो रेसिपी इस वाले ब्लॉग में नहीं डाली है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिएगा और जितना पॉसिबल हो ना उस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ट्राई करिएगा। वो रेसिपी बहुत अमेजिंग बनी थी एंड बहुत सिंपल है। यू नो, अगर आप शेयर करेंगे और ज़्यादा उस पर प्यार आएगा तो अंशुल को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि यू नो इट इज़ वेरी टफ टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड टॉक।
यू नो टॉकिंग विद पीपल इन फ्रंट ऑफ पीपल इज वेरी इजी, बट टॉकिंग इन टू द कैमरा इज वेरी टफ. मेरे को ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लग गए कैमरा के साथ कंफर्टेबल होने में. तो अंशुल ने तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, फर्स्ट वीडियो में ही उन्होंने बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है. तो उस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो उसी रेसिपी की डालने वाली हूँ और आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. आई थिंक उस वीडियो में आपको रेसिपी तो मिलेगी ही मिलेगी, आपके हस्बैंड्स को थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी जिनके हस्बैंड्स कुक नहीं करते. बिकॉज इंडिया में मैंने देखा है आज तक मेन ज़्यादा कुकिंग नहीं करते हैं, कुकिंग को ज़्यादा टुवर्ड्स लेडीज़ माना जाता है. एटलीस्ट I have seen this in my family. मेरी नानी की साइड, मेरे खुद के पापा या भाई कोई भी कुकिंग नहीं करता. अंशुल इज द फर्स्ट वन इन आर फैमिली जो कुक करना जानते हैं और इतना अच्छा कुक करते हैं. तो आई एम ब्लेस्ड विद सच अ नाइस हस्बैंड आप कह सकते हो. तो बस मैं यही आपको बताना चाहती थी कि हम एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें अंशुल की सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज आएंगी. कमिंग वीक तो थैंक्सगिविंग वीक है, एक लॉन्ग वाला ब्रेक मिलने वाला है, तो हमने बहुत सारी रेसिपीज उस वीक के लिए प्लान करी हैं. तो स्टे ट्यून्ड. एंड इस वीडियो को अगर आपने बहुत सारा प्यार दिया ना, तो हम डेफिनेटली अगली आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी लेकर आएंगे. फिर से बोलूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय करते रहिए. एंड विद दिस आई विल साइन ऑफ. आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए. बाय बाय. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. बाय.